महात्मा गांधी ने 1947 से पहले ही कह दिया था कि प्रकृति के पास मनुष्यता की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, उसके लोभ के लिए, लालच के लिए बहुत सीमित संसाधन। हम क्यों शेरों की आबादी बचाना चाह रहे हैं? हम क्यों लगातार चीता को पुनर्वासित कर रहे हैं? हम लगातार तेंदुओं को पुनर्वासित कर रहे हैं? हम बाघों को बचा रहे हैं? ये सुंदरवन जो नाम पड़ा है डेल्टा का, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां करीब कुछ नामक मैंग्रोव की प्रजाति पाई जाती है। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। यह फेवरेट टॉपिक है हर एक प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो वनों से संबंधित प्रश्न हो या फिर वनों में पाए जाने वाले वनस्पतियों से संबंधित या फिर उनके प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं हर एक प्रकार की सर्विस में जो एग्जामिनेशन हेल्ड कराते हैं आयोग, उसमें यह पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में, जहां क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे वेजिटेशंस पे, वनस्पतियों पे और वन्य जीव पे और साथ ही साथ मानवीय सभ्यता पे, उसके हिसाब से यह टॉपिक इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम एक ही क्लास में फुल कॉन्सेप्ट और शानदार विश्लेषण के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम 30 का ध्येय वाक्य है कि हम सिर्फ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट देने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, एक अमूमन भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, क्या पाई जाती हैं, उनका वैश्विक लेवल पे क्या योगदान है, इसका एक आंकड़ा अगर देखें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जहां 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसकी तट रेखा 7500 किलोमीटर से अधिक है, देश की पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता समुद्र के स्तर से लेकर के विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं तक, या फिर उत्तर पश्चिम में गर्म एवं शुष्क पारिस्थितिकियों से लेकर के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ठंडी शुष्क अवस्थिति तक, या फिर पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन से लेकर के पश्चिमी घाट के सदाबहार वन, वहीं सुंदरवन के मैंग्रोव के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर के स्वच्छ जल का एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में जैव विविधता का व्यापक रूप देखा जाता है। यही कारण है कि भारत विश्व के कम से कम 12 प्रमुख सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में शुमार होता है, भारत का नाम शुमार किया जाता है। और इसकी विविधता किस तरह से है, लगभग 47,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां तथा पादप विविधता में भारत विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में 4थे स्थान पर है। यानी 47,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं और इस मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान पे और एशिया में 4था स्थान रखता है। वहीं विश्व के कुल फूल वाले पौधों का 6% यहीं पे उत्पादित किया जाता है और व्यापक रूप से शैवाल और कवक में भी विविधताएँ देखी जाती हैं। अपने स्वच्छ जल और समुद्री जल के साथ साथ भारत में पशुओं की कुल 80,000 प्रजातियां हैं, जिनमें समुद्री मछलियों के साथ साथ जो समुद्री संसाधन हैं वो भी काफ़ी व्यापक रूप से भारत में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को आखिर प्रभावित कौन से कारक करते हैं, वो कौन से कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैसे हम मनुष्यों को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें प्रभावित करती हैं हमारा अनुभव, हमको कुछ सोचने समझने की शक्ति प्रभावित कर सकती है, हमें किसी की सफलता और असफलता प्रभावित कर सकती है, हमें धूप, गर्मी, बरसात ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, जाड़ा प्रभावित कर रहा है,
है, कोई डांट दिया, कोई छोड़ दिया, किसी को कोई पटा रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई तलाक दे रहा है, ये सब मानव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और मानव इन्हीं प्रभावित होने वाले कारकों से लड़ झगड़ करके एक मजबूत इंसान बनता है। उसी प्रकार से वनस्पति को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो वनस्पति के विकास में और उसके विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कारक हैं जिनके होने से प्रकृति के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, वनस्पति यानी किसी विशेष क्षेत्र अवधि के पौधों की निरूपित करने वाली प्रजातियां और जीव, पशुओं, जंगली वन्य जीवों प्राकृतिक जगत का एक हिस्सा होते हैं, किंतु निम्नलिखित कारकों के कारण वनस्पतियों और जीवों के जगत में एक विशाल विविधता पाई जाती है। और ये कारक हम जानने जा रहे हैं जो वनस्पति और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है उच्चावस, रिलीफ फैक्टर, उसमें पहला है भूमि, यानी भूमि की प्रकृति वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। जैसी भूमि वैसी वनस्पति, जैसे सर्वाधिक वर्षा तो लैटराइट मृदा, लैटराइट मृदा तो वहां वन ज्यादा सदाबहार उत्पन्न होंगे। ठीक है, नदियों का संगम, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यानी फसलों की कृषि वहां ज्यादा होगी, फसली वनस्पतियां पाई जाएंगी। पहाड़, वहां पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है, तो तापमान के कमी के अनुसार नीचे सदाबहार, फिर आर्द्र पर्णपाती, फिर उसके बाद अल्पाइन वन, ऐसे क्रम पाए जाते हैं। ठीक है, उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उदाहरण के लिए भारत का विशाल उत्तरी मैदान। तरंगित और ऊबड़ खाबड़ इलाके ऐसे क्षेत्र हैं जहां घास के मैदान और वन विकसित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वहीं मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मरुस्थल की रेतीली भूमि पर कैक्टस और कटीली झाड़ियां, खजूर वगैरह उत्पादित किया जाता है, जबकि आर्द्र दलदली और डेल्टाई मृदाओं में मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पतियों का विकास होता है। मृदा की कुछ गहराई वाली पहाड़ी ढलानों में शंक्वाकार वृक्ष होते हैं, यानी शंक्वाकार इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। पहाड़ी पे जैसे आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको देवदार के वृक्ष कहते हैं, स्प्रू। फिर उसके बाद जलवायु प्रभावित करती है, जैसा जलवायु वैसा वहां पे वनस्पति और वैसे ही वहां पे पशुओं की, वन्य जीवों की आबादी देखने को मिलती है, प्रकृति देखने को मिलती है। जलवायु में पहला आता है तापमान। वनस्पति की प्रकृति एवं सीमा मुख्य रूप से वायु, वर्षा एवं मृदा में आर्द्रता के साथ तापमान द्वारा निर्धारित होती हैं। हिमालय की ढलानों एवं 900 मीटर की ऊंचाई से ऊपर प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर, यानी प्रायद्वीपी भारत की पहाड़ी पे 900 मीटर से ऊपर या हिमालय की पहाड़ियों पे 900 से ऊपर, तापमान में गिरावट के साथ वनस्पति के प्रकार तथा उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पति में यह तापमान का गिरता स्तर परिवर्तित कर देता है। दीप्तिकाल यानी अक्षांशीय अंतर, ऊंचाई भिन्नताएं, मौसमी विविधताएं किसी विशेष स्थान पर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं। यानी हम जानते हैं जैसे ही 0 डिग्री से हम नॉर्थ पोल पे जाएं या 0 डिग्री से साउथ पोल पे जाएं, तापमान गिरते जाता है अक्षांशों के साथ, क्योंकि सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। तिरछी क्यों पड़ती है सन की किरण? क्योंकि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी टिल्टेड है, कभी नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल में, कभी कर्क रेखा इसके डायरेक्ट सामने होती है और कभी मकर रेखा सामने होती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार के साथ तापमान का क्रम भी बदलता रहता है। ठीक है, फिर है वर्षण, किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा उस स्थान पर प्रदर्शित होने वाली वनस्पति के प्रकारों को निर्धारित करती है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, वहीं लगभग
पूरी तरह वर्षाधीन क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होते हैं तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भी प्रभावित होते हैं, वहाँ जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जो हवा के सम्मुख होते हैं तो इस एरिए में तो सर्वाधिक बारिश होती है लेकिन उसके विपरीत कम बारिश होती है। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत में जो पश्चिम की तरफ ढलान है उसमें सर्वाधिक वनस्पतियों का उत्पादन होता है, जबकि उसके पूर्वी छोर पर आपको वनस्पतियां कम मिलेंगी। इधर सदाबहार वन मिलेगा तो इस तरफ आपको कटीली झाड़ियां मिलेंगी और पर्णपाती वन मिलेंगे। उसी प्रकार से हिमालय को अगर देखें तो भारत का हिमालयी क्षेत्र यहाँ जम्मू कश्मीर में पामीर की जम्मू कश्मीर के ऊपर पामीर पठार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और फिर नीचे अराकान योमा होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है, लेकिन इसका ये वाला जो पोर्शन है दक्षिणी पोर्शन और ये इधर भी मुख होगा तो ये नॉर्थ वाला होगा, ये साउथ वाला होगा, तो साउथ पोर्शन पे चूंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तापमान मिलता है, बारिश ज़्यादा मिलती है, इसलिए हिमालय के दक्षिणी छोर में वनस्पतियां वन का क्षेत्र घना पाया जाता है, जबकि उसके चीन और नेपाल की तरफ वाला उत्तरी छोर पे वनस्पतियां कम पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ जहाँ पे काश कम पहुंचे और बारिश कम हो। ठीक है, अब है आपका सूर्य का प्रकाश। यही अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश भी वहां की बारिश और वनस्पति को निर्धारित करती है। अब वनों के प्रकार को अगर देखें तो यहां देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, फिर उसके बाद छोटे मोटे झाड़ियां, फिर उसके बाद आपका बिखरे हुए, फिर रेन फॉरेस्ट और उसके बाद माउंटेन। लेकिन अगर वनों का एक सामान्य वर्गीकरण देखना चाहें तो इनको तीन रूपों में बांटा जाता है। पहला भौगोलिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण, नवीन वर्गीकरण। ठीक है, प्रशासनिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और नवीन वर्गीकरण। ये क्या होता है? ये होता है भौगोलिक वर्गीकरण में वो वनस्पतियों की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर किन वनों को कितना संरक्षण मिला हुआ है सरकार से उसके आधार पर विभेद किया जाता है। वहीं नवीन वर्गीकरण ये योजनागत वर्गीकरण है, यानी योजना को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, पौधारोपण योजनाएं, उसके आधार पर सरकार डायरेक्ट सरकारी वन में पौधे लगाए या फिर समुदायों द्वारा लगाया जाए या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई अपने कॉलोनी में अपने छतों पर प्लांटेशन करें, तो ये नवीन वर्गीकरण है। भौगोलिक वर्गीकरण में सदाबहार वन, उसके बाद मानसूनी वन जिसको पतझड़ वन भी कहते हैं, फिर शुष्क वन, मरुस्थली वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन होते हैं। ठीक है, वनों का महत्व क्या है, आखिर क्यों हम वन को बचाना चाहते हैं और वन किस तरह से मनुष्यता के लिए लाभदायक है? तो एक तो ये खाद्य श्रृंखला, यानी घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज, और फिर बाज को जब मरता है तो उसको अपघटक, अपघटक यानी छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत शरीर को वापस से कार्बनिक से अकार्बनिक फॉर्म में बदल देते हैं, ये एक खाद्य श्रृंखला, खाद्य चैन बना रहा है। अगर इसमें बीच में हम बाज को खत्म कर दें तो क्या होगा, सांपों की आबादी सर्वाधिक बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम घास को ही अगर ख़त्म कर दें, पूरे दुनिया से अगर ग्रासलैंड ख़त्म कर दिया जाए तो सोचिए पूरा ये इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे आप देखिए घास को खाती है हिरन, घास को खाती है हिरन, हिरन को खाता है कौन, शेर, और फिर शेर जब मरता है तो फिर अब घटक उसको खा जाते हैं, ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। अब सोचिए कि सबसे पहले क्या हो कि यहाँ पे शेर ही खत्म हो जाए,
हम क्यों शेरों की आबादी बचाना चाह रहे हैं, हम क्यों लगातार चीता को पुनर्वासित कर रहे हैं, हम लगातार तेंदुओं को पुनर्वासित कर रहे हैं, हम बाघों को बचा रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। क्या कारण है हमको इन जंगली जीवों को बचाने का? हर जगह मनुष्य मनुष्य हो। इन जो ये जो शेर बाघ चीता है ना, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं और साथ ही साथ इनका बचाया जाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि टॉप लेवल पे ये जो स्थान रखते हैं खाद्य श्रृंखला में, इनका बहुत महत्व होता है। कैसे? अगर मान लीजिए पूरे जो वनस्पति और प्रकृति है, उस प्रकृति से जानवर समाप्त हो जाएं जो मांसाहारी हैं, अगर समाप्त हो जाएं तो सोचिए कि इसमें जितने शाकाहारी जंतु हैं वो सारे पेड़ पौधे इतना खाने लगेंगे कि मनुष्यता के लिए पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी। ये हिरण सारा घास चर जाएं, जितने हिरण हैं सारे पेड़ पौधों को खा जाएं, तो फिर बचेगा कहां से? इसलिए प्रकृति संतुलन स्थापित करती है और संतुलन स्थापना में खाद्य श्रृंखला का प्रकृति ने निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा आपूर्ति के महत्व होता है, स्थानीय जलवायु का रूपांतरण करना, पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को पोषण करते हैं, मृदा के अपरदन को नियंत्रित करता है, जल धाराओं के प्रवाह को विनियमित करती हैं वनस्पतियां, तथा जनजातीय लोगों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब है भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, कैसे वितरित है, किन किन जगहों पे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, ये भारत का मैप है और इस पे इंगित किया गया है कि कौन सा वन कहां पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको यहां देखिए, सदाबहार वन, ये वाला इलाका सदाबहार वन का है। ठीक है, यहां वाला इलाका देखिए, ये भी सदाबहार वन का दिखा रहा है। यहाँ तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र सदाबहार वन, यहाँ जहाँ सर्वाधिक वर्षा वहाँ सर्वाधिक वनस्पतियों का घनत्व। ठीक है, फिर उसके बाद पर्णपाती वन, जहाँ वर्ष में एक बार पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, तो पर्णपाती वन भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पर्णपाती वन है, ये पूरे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पर्णपाती वन, फिर उसके बाद आता है पर्वतीय वन, तो ये देखिए ये पर्वतीय वन का सिंबल है। यहाँ देखिए ये पूरा इलाका जो है, ये पर्वतीय वन, यहाँ पे यहाँ पूरा सिक्किम और यहाँ पूरा अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, कृष्णा गोदावरी महानदी का डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे मैंग्रोव उत्पन्न होते हैं, फिर यहाँ पे भी आप मैंग्रोव देखेंगे। फिर यहाँ देखिए कटीले वन, कटीले वन, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो, पूरा राजस्थान, पंजाब का कुछ इलाका, हरियाणा और गुजरात में ये कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी वनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए कितनी सघनता है, कितना सघन है ये वन, दिख रहा है आपको। ये होता कहाँ पे, आमतौर पे पाया कहाँ जाता है, तो आमतौर पर भूमध्य रेखा के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह पाया जाता है, यानी 0 डिग्री के आसपास। अमूमन कहा जाता है कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन होता है, इसमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दैट्स वाई इन दिस एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशंस एंड हिज डेंसिटी। ठीक है, इसके घनत्व के लिए और उपलब्धता के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 200 सेंटीमीटर वार्षिक या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, विश्व के प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यानी कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ, यानी जितने पेड़ पौधे, हमने बचपन से सुना है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, तो जितने पेड़ होंगे उतना ही ज्यादा इन्वायरमेंट से कार्बन एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखे रहेंगे, लेकिन जैसे ही पेड़ को काट
दिया जाता है, पेड़ जो एब्जॉर्ब किया होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस से पर्यावरण में रिलीज हो जाता है। इसलिए पेड़ों के संरक्षण की भी बात होती है। अगर किसी आर्थिक क्रिया सामाजिक क्रिया के लिए पेड़ पौधे काटे भी जाएं, एक पेड़ काटे जाएं तो 10 पौधे लगाए जाएं और लगा के छोड़ ना दिए जाएं, उनका ऐसा कंजर्वेशन किया जाए कि वो वापस से एक पेड़ के बदले 10 पेड़ एक जंगल में परिवर्तित हो जाएं। यानी एक जंगल का एक हिस्सा काटिए तो उसका आधा हिस्सा तैयार करने की अगर शक्ति रखते हैं तब तो आप पेड़ को छुइए, वरना मत छुइए, क्योंकि लालच सबसे बुरी बला है। और महात्मा गांधी ने 1947 से पहले ही कह दिया था कि प्रकृति के पास मनुष्यता की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, उसके लोभ के लिए लालच के लिए बहुत सीमित संसाधन है। और मनुष्यता तो लोभी ही है, इसका परिणाम है आज देख लीजिए हिमाचल और उत्तराखंड में आई हुई बाढ़ का प्रकोप, जोशीमठ उत्तराखंड का धसता जा रहा है, यह प्रकृति के साथ और उसका अत्यधिक दोहन का परिणाम है। क्योंकि वन अत्यंत सघन होते हैं, इस वन के व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आबनूस, महोगनी, सीसम काट दीजिएगा, रबड़, सिनकोना। सिनकोना को इसलिए भी जानिए कि सिनकोना की छाल से, ये जो पेड़ देख रहे हैं और इसमें छालें निकलती हैं, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से मॉस्किटो मलेरिया, मॉस्किटो जो होते हैं मच्छर के काटने से जो मलेरिया रोग होता है वो उसकी दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में इससे। अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे चंदन, महोगनी, बांस भी हैं। इन वनों में पाए जाने वाले सामान्य पशुओं में बंदर, हाथी, लंगूर, हिरण और एक सींग वाला गैंडा है। ऐसे वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र, मेघालय, असम, नागालैंड, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, ठीक है, हिमालय के तराई क्षेत्र यानी दक्षिण भाग हिमालय का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गारो खासी जयंतिया, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, मानसिन राम और चेरापूंजी यहीं पे पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, एक तो पूरी तरह से इनको कहा जाता है जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां झड़ा दें, लेकिन कुछ ऐसे वन होते हैं इसमें जो पास पास में पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिखरे टाइप के होते हैं। यहाँ देखिए बिखराव दिख रहा है और सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ी हुई दिख रही हैं आपको, नीचे घास का पीलापन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा प्राप्त होती है। यह शुष्क ग्रीष्मकाल में वृक्ष लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी जहां जल अच्छा है वहां आर्द्र पर्णपाती वन और जहां जल कम है वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अधिकांश पर्णपाती वन ज्यादातर देश के पूर्वी हिस्से जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के तलछटी क्षेत्र, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान पर, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पाए जाते हैं। इसमें सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति है और व्यावसायिक रूप से सागौन का प्रयोग फर्नीचर उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत जैसे पेड़ व्यावसायिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पेड़ों की प्रजातियां हैं। और इनमें रहने वाले जानवरों में शेर, बाघ, सुअर, हिरण, हाथी, छिपकलियां, सांप और कछुए जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है कांटेदार वन, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो आप बताइए कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में, ऊपरी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब के दक्षिणी छोर पर, हरियाणा के पश्चिमी छोर पर, ये सभी क्या है, रेतीले क्षेत्र हैं, तो यहाँ क्या होगा, कम वर्षा होती है और कांटेदार और झाड़ियाँ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम इलाका, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भाग में यह पाए जाते हैं। कांटेदार वृक्ष होते हैं, इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने अंदर के पानी को स्टोर रखने के लिए, इनमें पत्तियाँ और तने बहुत कम पाए जाते हैं, पत्तियां मोटी मोटी हो करके फूल करके अपने अंदर पानी बनाए रहती हैं। जैसे नागफनी का पेड़ कैक्टस मोटा मोटा होता है, उसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, और तने मोटे हो जाते हैं फूल करके। ये डायरेक्ट यूपीएससी और यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहां शुष्क
वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहां पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और तने मोटे हो जाते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाया जा सके, पानी की उपलब्धता को पेड़ में बनाए रखा जा सके। यानी प्रकृति खुद वहां पे पेड़ों को पोषित होने का तरीका सिखा रही है। तने जल के संरक्षण हेतु गुदेदार होते हैं और वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्ते अधिकांशतः मोटे, छोटे और नुकीले हो जाते हैं। सामान्य रूप से पाए जाने वाले पशुओं में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली गधे और ऊंट हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो खेती की जाती है वो किस प्रकार की खेती होगी, मोटे अनाजों की, बाजरा, ग्वार, मक्का, ठीक है, खजूर। फिर है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में ऊंचाई के साथ साथ नीचे जहाँ उष्ण पर्णपाती वन, फिर उसके बाद आपके समशीतोष्ण वन और फिर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले वन को अल्पाइन और फिर उसके बाद पूरा बर्फ से ढका होता है, उस पर कोई वन नहीं पाया जाता है। तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी से प्राकृतिक वनस्पति में तदनुरूप परिवर्तन देखा जाता है। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे ओक, चेस्टनट की प्रधानता होती है। ओक और चेस्टनट चौड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक है। इसमें चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष, समशीतोष्ण वन 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। इनमें घास के मैदान होते हैं, फिर उसके बाद अंततः झाड़ियों के माध्यम से वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। खानाबदोश जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा होता है। इन वनों में पाए जाने वाले कश्मीरी हिरण, चित्तधारी हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती मृग, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, झबरा सिंह वाली जंगली आइबैक्स और बर्फ में रहने वाला कोल्ड बियर पाया जाता है, दुर्लभ रेड पांडा पाया जाता है, ठीक है। अब है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन या ज्वार भाटे से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां तट पर कीचड़ और गाद निक्षेपित करती हैं नदियां। पौधों की जड़ें घने मैंग्रोव में जलमग्न होती हैं और ये ऊपर ही ऊपर जो है निषेचन की क्रिया कर लेती हैं और आपस में उलझ जाती हैं, जिस वजह से बाढ़ या फिर सुनामी जब आती है तो उनके वेग को कम करती हैं। यानी ये तटों का भी संरक्षण करती हैं, पानी को शुद्ध करने में भी सहायता देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मछलियों और समुद्री संसाधन की विविधता पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ है, गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में। सुंदरी वृक्ष, ये सुंदरवन जो नाम पड़ा है डेल्टा का, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ सुंदरी वृक्ष नामक मैंग्रोव की प्रजाति पाई जाती है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपका ये वाला पोर्शन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को 3-4 बार आप जरूर रिपीट करके स्पीड मोड में देख लीजिएगा। देखते रहे एग्जाम 30, फॉलो कर लीजिए। अब तक फॉलो नहीं किया है, नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए और अन्य अभ्यर्थियों तक जरूर पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत।